दोस्तों एथेने में एक न्यू अपडेट आया हुआ है। अगर अभी तक आपने इसको प्ले स्टोर से अपडेट नहीं किया है तो इसको प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिएगा। जब आप इसको प्ले स्टोर से अपडेट कर लेंगे तो ये फीचर्स आपको जो यहाँ पर मेरे शो हो रहे हैं वह सेम फीचर्स आपके भी एथेने एप्लीकेशन पर शो होने चालू हो जाएंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं इनका बहुत जल्दी लॉन्च पैड भी लॉन्च होने वाला है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है यहाँ पर P2P का, ठीक है। तो P2P का ये ऑप्शन यहाँ पर चालू कर दिया गया है और P2P के माध्यम से आप यहाँ पर बाय सेलिंग कर पाएंगे एथेने और जेम्स टोकन्स की। इसके साथ साथ बहुत जल्दी आपको यहां पर पाई का भी ऑप्शन मिल जाएगा, पाई नेटवर्क का, और पाई नेटवर्क की भी आप यहां पर बाय सेलिंग कर पाएंगे। अब इसका यूज कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहां पर टैप करना है। जैसे वहां पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके का आपका यहां पर इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहां पर अपनी जीमेल आईडी डालनी है। जीमेल आईडी चाहे तो आप वो डाल सकते हैं जिस जीमेल आईडी से आपने एथेने में अपना रजिस्ट्रेशन किया था, या आप नया जीमेल आईडी भी यहां पर डाल सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म है और वो अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड डालना। पासवर्ड भी आप चाहे तो सेम पासवर्ड डाल सकते हैं जो एथेने में है, या आप अलग भी पासवर्ड यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है और यहां पर आपको कोड डालना है, इनवाइट कोड। इनवाइट कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उससे यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है और नीचे रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी P2P वाली जो एथेने की नेटवर्क की जो वेबसाइट है वो ओपन होकर आ जाएगी। अब आपको यहां पर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ऊपर की तरफ एक ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ओवरव्यू पर आपको क्लिक करना है। थोड़ी सी यहां पर प्रोसेसिंग चलेगी तो थोड़ा सा यहां पर वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद वेबसाइट इस तरीके से आपकी यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। अब एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है कनेक्ट एथेने ऐप, तो जिस ऐप में आपकी माइनिंग चल रही है उस ऐप को आप इस P2P वाले नेटवर्क जो इनकी वेबसाइट है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और जिस जीमेल आईडी से आपने एथेने में अपना रजिस्ट्रेशन किया है वही जीमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप एक ही बार इसको कनेक्ट कर पाएंगे। आप चाहे तो जैसे कि मान लीजिए आप 2-3 फोन में अपनी एथेने की माइनिंग कर रहे हैं तो आप यहां पर कोई सा भी वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बार कनेक्ट होगा, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद आपको यहां पर सेव कर देना है। तो हम यहां पर अपनी जो आईडी है उसको यहां पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो वॉलेट है एथेने का वो यहां पर कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो यहां पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, डिपॉजिट विड्रॉल और हिस्ट्री का। आपको यहाँ पर अगर USDT अपना डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट वाले सेशन पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर आपको एड्रेस मिल जाता है USDT डिपॉजिट करने का। अभी यहाँ पर केवल आप USDT ही डिपॉजिट कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, और ये जो USDT आप डिपॉजिट करेंगे वो BNB स्मार्ट चेन का ही यहाँ पर होना चाहिए। इस एड्रेस पर आपको भेजना है, चाहे तो आप QR कोड से भी यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस पर टैप करेंगे तो हम अपने मेन पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय सेलिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। एक तरफ बायर है, एक तरफ सेलर है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेलिंग बाय सेलिंग कर सकते हैं। उसके लिए देखिए अगर आपको यहाँ पर सेल करना है तो यहाँ पर हम सेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ये वाले ऑप्शन पर लो टू हाई और हाई टू लो। तो अगर हम लो टू हाई पर क्लिक करते हैं तो जो सबसे कम वाली बिड होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद उससे बड़ी इस तरीके से। अगर हम यहाँ पर हाई टू लो पर क्लिक करते हैं तो जो हाईएस्ट वाली बिड है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, और इसके सामने ही आप देख सकते हैं सेल का ऑप्शन आया हुआ है। सेल के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो प्राइस है वो 3 USDT का है एक एथेने का, और इनके पास कितने अवेलेबल हैं, 2 एथेने अवेलेबल हैं। लिमिट क्या है वो आप देख सकते हैं, 3-3 USDT की ही लिमिट है। फीस कितनी लगेगी, 2.5% की यहाँ पर लगेगी, और आपका जो बैलेंस है वो एथेने का यहाँ पर शो होगा। जो इतने भी एथेने आपके पास होंगे वो आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको कितने एथेने यहाँ पर सेल आउट करने हैं वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। मान लीजिए आपको 2 एथेने यहाँ पर सेल आउट करने हैं तो आप यहाँ पर 2 एथेने यहाँ पर डाल देंगे, और कितना आपको यहाँ पर USDT रिसीव होगा तो वो आप देख सकते हैं 5.85 आपको यहाँ पर एथेने रिसीव होगा। उसके बाद यहाँ पर आप सेल पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों अभी मेरे पास यहाँ पर USDT भी नहीं है और एथेने भी नहीं है, तो ये सेल वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से अपना USDT या आप एथेने या आप जेम्स टोकन्स किस तरीके से लेके आएंगे आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर एथेने, जेम्स और पाई टोकन तीनों की यहाँ पर बाय सेलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर बाय पर हम क्लिक करेंगे तो सेम प्रोसेस आपका बाइंग का भी रहेगा। आप यहाँ पर बाइंग पर जाएंगे, मैंने बाइंग पर लगाया, और यहाँ पर आप अपना ऑर्डर यहाँ पर फिल कर देंगे। मान लीजिए आप यहाँ पर
टू एथेनी का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ क्रिएट ऑर्डर का एक ऑप्शन आया हुआ है। इस क्रिएट ऑर्डर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेल का ऑर्डर लगाना है या इसका लगाना है। आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप जितने का भी ऑर्डर फिल करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर अपना जो ऑर्डर है वो यहां से क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट भी कैसे करेंगे वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और इस तरीके से आप यहां पर एथेने और जेम्स टोकेंस की जो बाई सेलिंग करके अपना बेनिफिट यहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।